नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक छैंठिया AIRO इंडिया चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं होम्योपैथिक चिकित्सा काम कैसे करती है। सबसे पहले जान लेते हैं यह शब्द कैसे आया। होम्योपैथी एक ग्रीक शब्द होमियोस से बना है, जिसका मतलब होता है समान, और पैथोस का मतलब होता है रोग, अर्थात लाइफ बिगेट्स लाइफ के सिद्धांत पर लाइक बिगेट्स लाइक, समान स्थितियां ही समान स्थिति को पैदा करती हैं। अर्थात जो रोग आपके शरीर में है, उसी रोग को ठीक उस रोग को पैदा करने वाली दवा करती है, और होम्योपैथिक इसी सिद्धांत पर काम करता हुआ सिमिलिया सिमिलेविस क्यूरेंट्यूर पर काम करता है, जिसका मतलब ही यही है कि जो रोग शरीर में है, उस रोग को उत्पन्न करने वाले तत्व ही उस रोग को निष्क्रिय बनाते हैं, लाइक बिगेट्स लाइक, और उसी सिद्धांत पर काम करते हुए होम्योपैथिक अपना काम करती है। वैसे तो इस पैथिक के जनक जो हैं वो सैमुअल हैनीमन हैं, जो स्वयं एक एलोपैथ थे, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने अपनी चिकित्सीय अनुभव के आधार पर यह पाया कि किसी भी दवा के कोर तत्व को सीधे दवा अगर शरीर में पहुंचाया जाए तो भी उसका इलाज किया जा सकता है, और इस तरह से हैनीमन ने सबसे पहली बार सिनकोना के वृक्ष से एक अर्क तैयार किया था, जिसे आज के समय में आप चाइना कहते हैं, चाइना 30, चाइना 200, चाइना 1000, जो कमज़ोरी की एक बेहतरीन दवा है। उस दवा के आधार पर होम्योपैथिक ने अपनी यात्रा हैनीमन के द्वारा शुरू करी थी। फिर तो एक बहुत लंबा रास्ता पिछले करीब 200 साल में होम्योपैथिक ने चल लिया है। वो बात अलग है कि कोरोना काल में जिस तरह से होम्योपैथिक का विस्तार हुआ, खासतौर से वेनेडियम मेटालिकम, यूपेटोरियम पर्फ, कैरिकाया पपाया, इन दो चार दवाओं ने जिस तरह से अपना विस्तार किया, उससे विश्व जगत में खासतौर से दूसरी चिकित्सा पद्धतियों ने ऐसा दिखाया कि होम्योपैथिक कोई पैथी नहीं है, बल्कि यह बकवास है। और इस बकवास को उन्होंने जोड़ा कि इट्स लाइक अ प्लेसिबो। प्लेसिबो एक तरह की अवधारणा है जिसमें व्यक्ति को कोई दवा नहीं दी जाती है, बल्कि दवा की जगह पर सिर्फ उसे सामान्य गोलियां, सामान्य द्रव देकर इस बात का आभास कराया जाता है कि उसे दवा दी जा रही है, और यह देखा गया है कि कई बार व्यक्ति बिना किसी दवा के भी ठीक हो गया, क्योंकि मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसे ऐसा लगता है कि वह दवा खा रहा है। और इस तरह से जो तंत्रिका तंत्र हमारा है, जो इम्यून सिस्टम है, वह बॉडी को स्वस्थ कर देता है, और इसी को प्लेसिबो कहते हैं। और उसी के आधार पर यह माना जाता है कि होम्योपैथिक भी कुछ नहीं है, इसमें ऐसी कोई दवाएं नहीं है जो किसी रोग को ठीक कर सकती हों, बल्कि इट्स लाइक अ प्लेसिबो। लेकिन ऐसा नहीं है। आज होम्योपैथिक में एक बहुत बड़ा विस्तार है दवाओं का, और उस विस्तार के साथ साथ बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जो दूसरी पैथी में नहीं है। होम्योपैथी की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें आँख की ऊपरी पलक की अलग दवा है, निचली पलक की अलग दवा है, ऊपरी पलक पर सूजन की अलग दवा है, निचली पलक पर अलग दवा है, जो आँख के पलकों के बाल हैं उनकी अलग दवा है, आँख से पानी आने की अलग दवा है, आँख के लाल होने कि अलग दवा। कहने का तात्पर्य ये है कि एक बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पर आधारित यह चिकित्सा पद्धति है, और इसीलिए ज़्यादातर स्थितियों में होम्योपैथिक को लोग इसलिए भी विश्वास से दूर खड़ा पाते हैं, क्योंकि जब तक रोगी के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, आप किसी भी दवा को देते रहेंगे, उसे फ़ायदा नहीं। जो दवा नर्व पर बहुत अच्छा काम करती है, जिसका नाम जलसेमियम है, वही दवा जब 30 में दी जाती है उसका दूसरा असर है, लेकिन वही दवा जब 200 में दी जाएगी तो अक्सर आप देखते होंगे कि लोगों की पलक ही अपने आप नहीं उठती, उन्हें अपने हाथ से पलक उठाना पड़ता है।
लेकिन अगर आप वही दवा जेलसेमियम 200 में देंगे तो पलक अपने आप उठने लगेगी। वही दवा जो कमज़ोरी में चाइना 30 के रूप में इस्टेब्लिश है, खून की कमी में चाइना 200 आप दे सकते हैं, उसी चाइना को 1000 दें तो जिनको पथरी लगातार बनती है और पथरी का जब इलाज हो जाए तो किडनी की पथरी में अगर यह दवा दी जाए तो फिर से दोबारा पथरी नहीं बनती है। इसके अलावा हेक्ला लावा भी दिया जाता है, हेक्ला लावा 3x को लगातार कुछ समय तक खाने पर किडनी की पथरी बंद हो जाती है। निश्चित रूप से यह इन सब बातों का प्रमाण है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति सिर्फ कथन नहीं है बल्कि वास्तविकता के धरातल पर सिमेलिया सिमेलेबिस क्यूरेंट्यूर के सिद्धांत पर काम करती है। इस बात का हमको ध्यान देना होगा कि जो हमारा शरीर है उसमें जो शरीर में जो तत्व हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका अपना एक मोशन होता है। इस मॉलिक्यूल मोशन में अगर यह मॉलिक्यूल मोशन शरीर में बढ़ जाएगा तो भी परेशानी है, अगर यह मॉलिक्यूल मोशन घट जाएगा तो भी परेशानी है। इस मॉलिक्यूल मोशन के कारण को समझना ही होम्योपैथिक का सबसे बड़ा कार्य है। अगर आपने उस कार्य को, उस बात को समझ लिया तो जिसने उस मॉलिक्यूल मोशन को बढ़ाया है उस कारण की ही दवा होम्योपैथिक में जब दी जाएगी तो वह उसे न्यूट्रल करके सामान्य कर देगी। अगर मॉलिक्यूल मोशन घट गया है तो जो घटने के कारण हैं उसकी दवा देने पर वह फिर से सामान्य हो जाएगी। इस आधार पर हमारे समान रोग के सिद्धांत पर काम करने वाली होम्योपैथिक सदैव से इस आधार पर काम करती है कि किस रोग को किस कारण से पैदा शरीर में किया गया है, और जिसने रोग को पैदा किया है वही उस रोग को खत्म करेगा। मतलब जैसा को तैसा, टिट फॉर टैट, जिसने आपके शरीर में रोग पैदा किया है वही उस रोग को ठीक करेगा। जैसे एक बहुत अच्छी दवा है ग्वाइकम, एक बहुत अच्छी दवा है ट्यूबरकुलिनम, जो फेफड़े के गलने की स्थितियां पैदा करता है उसी गले हुए फेफड़े से दवा बनकर ट्यूबरकुलिनम जैसी दवा बनती है और आदमी ठीक हो जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है जो आपको भी जानना चाहिए कि अक्सर आपने होम्योपैथिक दवा में देखा होगा कि दवा पे लिखा रहता है 30 CH, इसका मतलब क्या है, और कहीं पर लिखा है 30X। तो सबसे पहले तो आप CH के बारे में जानिए। जब दवा पे CH लिखा रहता है उसका मतलब है सेंटीसीमल। सेंटीसीमल में C का मतलब है, H का मतलब हनीमैन, मतलब जो दवा सांद्रता के नियम में हनीमैन द्वारा बनाई गई उसे हमने CH से कहा, और जो दवा में X लिखा है, X का मतलब भी पोटेंसी होता है लेकिन यह सुसलर द्वारा बनाई गई। कहने का तात्पर्य यह है कि 30X अगर लिखा है तो यह इस बात को शो करता है कि उसमें मेडिसिन की पावर नहीं, मेडिसिन कितने पोटेंसी की है जो 30X से होती है। जब हनीमैन के सिद्धांत पर दवा बनाई जाती है तो उसे सेंटीसीमल इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह 1/100 के रेशियो में बनाई जाती है, मतलब एक भाग दवा होती है और 100 भाग उसमें वह तत्व मिलाया जाता है जिसे आप अल्कोहल का कह सकते हैं, और उसमें उन्हें उसके आधार पर उसको जो पोटेंसाइज किया जाता है, शक्तिकृत किया जाता है, वह दवा जब सेंटीसीमल के सिद्धांत पर बनती है तो वह हनीमैन की दवा कहलाती है। लेकिन जो सुसलर के सिद्धांत पर बनती है वह दवाओं में लिखा होगा 30X, 200X, 1000X, 3X, 6X, 12X, इस तरह से लिखा होगा। तो जब भी आप इन दवाओं को देखें दोनों का प्रभाव एक ही है, लेकिन जिसमें X लिखा है वह टाइटुरेशन कहलाती हैं, उसमें दवा वास्तविकता में होती है। लेकिन जिसमें 30CH लिखा होता है उसमें दवा नहीं होती है, उसमें दवा की पावर होती है।
अब प्रश्न यह उठता है कि किसी में दवा की पावर है और किसी में दवा खुद है, तो फिर दोनों में क्या अंतर है? जब आपको अपने शरीर में कोई परेशानी लगती है तो आमतौर पर आप पैथोलॉजिकल जांच कराते हैं। जब आप पैथोलॉजिकल जांच कराते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें कैल्शियम कम है, मैग्नीशियम कम है। अगर ऐसी कोई स्थिति है कि पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में कुछ तत्वों की कमी दिखाई दे रही है, तो जब तत्व कम होंगे तो वहाँ पर आपको एक्स वाली दवाएं खाना चाहिए जो सुसलर के द्वारा बताई गई, क्योंकि आपको उन तत्वों की कमी को अपने शरीर में पूरा करना है। लेकिन हो सकता है कि आपके शरीर में सारे तत्व पूरे हों, तब भी आपको कमजोरी लग रही हो, दर्द हो रहा हो। जब ऐसी स्थिति हो, रिपोर्ट सामान्य आ रही हो फिर भी समस्या बनी हो, तो वहाँ पर डाइल्यूशन का उपयोग करते हैं। डाइल्यूशन का मतलब जिसमें 30 CH लिखा है, 200 CH लिखा है, 1000 CH लिखा है, और यह दवा इसमें चूंकि पावर होती है, दवा नहीं होती, उस दवा का पावर होता है, तो यह दवा उस शरीर में पहुंचकर आपके दर्द के उन कारणों को सप्रेस करके आपके दर्द से आपको निजात दिलाती है, आपकी कमजोरी से निजात दिलाती है। तो जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि रिपोर्ट्स में तत्वों की कमी है, तब आप सुसलर की पैथी पर ज़्यादा रिलाई करें, जहाँ पर 3X, 6X, 12X की बात होती है। लेकिन जहाँ पर रिपोर्ट में कोई बात ना समझ में आ रही हो, वहाँ पर आप CH वाली दवाओं का प्रयोग करें। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप अपनी जांच करा रहे हैं तो पैथोलॉजिकल जो रिपोर्ट आ रही है, जो मेंटल और साइकोलॉजिकल ज़्यादा है, जब वहाँ पर आपको लगे कि नहीं हमें तो सर दर्द लग रहा है, हमारा तो शरीर दर्द हो रहा है, जब ऐसी स्थितियाँ लगें जहाँ पर साइकोलॉजिकल हो, मेंटल स्थितियाँ हो, वहाँ पर CH की पोटेंसी यूज़ की जाती है। और जहाँ पर पैथोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर कोई बात कर रही हो, वहाँ पर CH के बजाय X आधारित दवाओं का उपयोग किया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि कहाँ पर किस मेडिसिन का प्रयोग करें। वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप जांच नहीं कराते, क्योंकि होम्योपैथिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी है और उसमें ज़रूरी नहीं कि हम आपसे सारी बातों को जांच करा कर ही देखें, आप केवल व्यक्ति की बात को सुनकर और उसके आधार पर समझकर भी दवाओं को निर्धारित करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप 30 CH दे रहे हैं और 30X चाहे दे रहे हैं, दोनों का प्रभाव एक है। बस एक में है कि 30X में देने पर मेडिसिंस जा रही है वास्तविकता में तात्विक रूप से, और एक में दवा की पावर जा रही है, इसमें मेन मेडिसिन नहीं है उसकी, उस दवा की सिर्फ पावर दी जा रही है। तो दोनों ही काम करती हैं, लेकिन जल्दी असर हो, ज़्यादा असर हो, तो वहाँ पर पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स पर रिलाई करना चाहिए। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि आप यह जान सकें कि होम्योपैथी, होमियोज पैथोस जो हमारे सामने आया, वास्तव में वो काम कैसे करता है। क्योंकि आज जिस तरह से यह बात स्थापित हो चुकी कि दूसरी पैथी का शरीर पर बहुत विपरीत असर है, विपरीत असर का मतलब यह है कि कोई भी दवा जब जाती है आपके शरीर में तो उसे तोड़ने में उसे शरीर के उस स्पेसिफिक भाग लीवर को बहुत काम करना पड़ता है, और लीवर ही जब धीरे धीरे कंटिन्यूस, चाहे आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हो, चाहे आप शुगर की दवा ले रहे हो, तो इट्स ओके कि आपने वो दवा ली और आपका शुगर मेंटेन है, आपका ब्लड प्रेशर, लेकिन इन कोर्स ऑफ टाइम इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, और जिससे जीवन शक्ति घटती है, जीवन और औसत आयु घटती है, और शरीर में दूसरी बहुत सी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। इसलिए उन पैथियों के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए होम्योपैथिक इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, और इसलिए आदमी को होम्योपैथ इलाज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी पैथी है जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत रेयर हैं, उनका अलग अपना एक अस्तित्व है। जो भी डॉक्टर आपको दवा देगा वो बताएगा कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। एटलीस्ट शरीर में एडवर्स इफ़ेक्ट इतने उस तरह से नहीं पड़ते हैं जैसे दूसरी पैथी पे पड़ते हैं, और आप इस दवा से स्वस्थ रह सकते हैं। इससे सिर्फ
बीमारियों को दबाया नहीं जाता, बल्कि उस बीमारी पर काम करते हुए उसे जड़ से समाप्त किया जाता है। इस दवा में थूकी थोड़ा समय लगता है और ध्यान से अगर डॉक्टर ने समय नहीं दिया तो दवाओं का उस तरह का रिजल्ट नहीं आ पाता, इसलिए होम्योपैथ पर जल्दी लोग रिलाई नहीं करते। लेकिन अगर आपने अपनी समस्या को ढंग से बताया है और स्वयं अपनी समस्या को महसूस किया है कि यह समस्या कब हुई, गिरने पर हुई, चोट लगने पर हुई, खाना खाने के बाद हुई, किसी समाचार को सुनने के बाद से आपके शरीर में ऐसी समस्या हुई, अगर आपने उन सारों का आकलन करके डॉक्टर को सही सही तरीके से अपनी बात को बताया है तो आप सच मानिए कुछ ही दिनों में होम्योपैथ आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देता है। लेकिन अगर आपने या नहीं जाना और केवल एक जनरल रूटीन में बात किया तो फिर डॉक्टर आपको जनरल रूटीन के हिसाब से दवा देगा और हो सकता है कि वह दवा उस तरीके से काम ना करे और आपको लगे होम्योपैथ में कुछ नहीं है। इसलिए आप गंभीरता पूर्वक जब होम्योपैथिक का इलाज कराएं तो स्वयं गंभीर बने और अपना पूरी केस स्टडी डॉक्टर को ठीक से बताएं ताकि कुछ ही दवाओं के प्रयोग से आप ठीक हो सकें। यह छोटा सा वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आप होम्योपैथिक के बारे में ABC जान सकें और स्वयं यह समझ सकें कि होम्योपैथ का इलाज आपको क्यों कराना चाहिए। चूँकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन नैनादयाल होम्यो क्लिनिक निःशुल्क परामर्श केंद्र के माध्यम से यह कार्य कर रहा है, इसलिए यह मेरा कर्तव्य है कि मैं पहले आपको यह भी बताऊं कोई दवा होम्योपैथ में काम करती कैसे, ताकि आप होम्योपैथ की तरफ जाने से पहले मानसिक रूप से यह बात समझ सकें कि आप जिस पैथी की ओर बढ़ रहे हैं वह आपके शरीर पर काम कैसे करेगी। अगर यह अच्छा लगे वीडियो तो इसे दूर तक ले जाइए ताकि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है यह बात प्रमाणित भी हो और इस पैथी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। नमस्कार।